बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना आ रहा है, एसी भी नहीं चालू कर सकता हूँ आपसे बात कर। ये अंधेरे में जब टर्मिनल 2 के पास आ जाते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि ना हम लोग एक जाले में फंस गए, ट्रैप में फंस गए ऐसा लग रहा है। कि वो बीकेसी के अंदर है, जीवो वर्ल्ड है या क्या है, इसको क्या कहते हैं, जीवो सेंटर है जो कुछ है। गाड़ी चला के मीने में कुछ भी फायदा नहीं है, रात में मीने में गाड़ी चलाना मतलब खुद की नींद खराब करना, ऊपर से पैसेंजर को सर्विस भी देना और अपनी खुद की कमाई भी कम करके लेना, ऐसा है। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 3:15 बज चुके, दिखता नहीं रहेगा, अभी दिखेगा, 3:15 बज चुके। अभी इस वक्त मैं अंधेरे में हूँ और अंधेरे में अभी यहाँ पे मैंने खाना पीना खा लिया है और आराम से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 10:30 बजे मैं निकला था घर से, बैंक का कुछ काम था वो करके, फिर मुझे एक बुकिंग लगी, खारघर में पैसेंजर को ड्रॉप किया। खारघर में ड्रॉप करते करते मुझे एक और एक अंधेरे की बुकिंग लगी, वो लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो जो खारघर में ड्रॉप किया उसका मुझे अर्निंग जो दिया गया है ना, वो बिल जो बना है 293 रुपीज़ का बना है और मुझे अर्निंग 220 का दिया है, बहुत ही अच्छा मिला। 11 किलोमीटर ही था सिर्फ। उसके बाद फिर अंधेरे में ड्रॉप किया मैं यहाँ पे और इधर 933 रुपीज़ का बिल बना और मुझे 680 रुपये दिए गए 39 किलोमीटर के लिए। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे मैं बैठा हूँ अंधेरे में, वेस्ट साइड करके शोरूम है, यहाँ पे हूँ मैं अभी और वेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट बुकिंग का। तो कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे डॉटर और रिलेटिव आए थे तो उनके साथ मुंबई दर्शन, मतलब उनको घुमाने लेके गया रात के टाइम। तो बहुत ही मज़ा किया हम लोग ने, रात के 1 बजे तक घूम रहे थे सब लोग मिलके, मज़ा आया बहुत। तो एक वीडियो आपको क्लिप दिखा दूंगा, हम थोड़ा कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे फ़ोटो डाल दूंगा, देख लेना। तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ और देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी, कब लगेगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना आ रहा है, एसी भी नहीं चालू कर सकता हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि क्या होता है एसी अगर चालू करेंगे ना तो बैकग्राउंड इंजन का साउंड आता है और आप तक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो इतना खतरनाक गर्मी है अंदर के, कांच बंद करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर के भी यहाँ पे जो एरिया है ना, उस एरिया में ना बहुत साउंड है, अगर मैं कांच थोड़ा भी नीचे करूंगा ना बहुत जोर की आवाज आएगी, आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे आवाज आएगी और आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और एसी का भी मैंने बंद करके सीधा आपसे वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला खाना पीना खाने के बाद अभी एनर्जी भी आ गई है आगे काम करने का। तो टोटल मेरा 890 रुपये का अर्निंग हो गया है 2 ट्रिप में। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की लगेगी और कब लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा और तो फिर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहला सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप मेरी जो मैं दिन भर में काम करता हूँ उसकी आप मस्त बैठ के एंजॉय कर पाओगे, कैसे काम किया जाता है, कैसे अर्निंग किया जाता है या फिर कितना मेहनत लगता है ये काम में, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो ठीक है, यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बाहर की हवा खा लेता हूँ, अपना ऐप चालू कर देता हूँ और अगले डेस्टिनेशन पर पहुँच के आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पहुंचा और कब पहुंचा। तो जुड़े रहना और एंड तक वीडियो देखना। चलो रोबोट, हाँ ये मशीन से चल रहा है, ये पूरा इसके हाथ में मशीन है। देखो अभी कैसे आगे जाएगा, इधर तो रास्ता बंद है। ये जरा खोल रहा हूँ। टर्मिनल 2 पे अभी मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। 197 का बिल मिला बना था और मुझे 248 रुपीज दिया गया है 3 किलोमीटर के लिए, सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए 150 रुपया मिला है। छोटे छोटे ट्रिप का बहुत मजा रहता है और बहुत मतलब अच्छा लगता है कि 3 किलोमीटर का 150 रुपया बहुत ही अच्छा मिलता है।
और एक मैंने अभी एक मशीन देखा जिसमें रोबोट काम कर रहा था, मतलब कोई ड्राइवर नहीं था, क्रेन अपने आप मतलब रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रहा था, मस्त दिखाई दिया। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर से एक बार मैं अभी टर्मिनल टू पे पहुंच चुका हूँ। ये मैं सेकेंड बार यहाँ पे आया हूँ, आपने पहले देर पहले एक घंटे डेढ़ घंटे पहले जो मैंने बात की थी तब, उसके बाद अभी डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पे आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और टर्मिनल, ये अंधेरे में टर्मिनल के पास आना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आपको बताना चाहूँगा क्यों खतरनाक है। ये अंधेरी में जब टर्मिनल टू के पास आ जाते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि ना हम लोग एक जाले में फंस गए, ट्रैप में फंस गए ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ आने के बाद अपने को लगता है एयरपोर्ट से अच्छा बुकिंग मिलेगा, हम लोग अच्छा अर्निंग कर पाएंगे, पर ऐसा होता ही नहीं है। 110, 120 ऐसा टाइमिंग दिखता है, और नीचे जाने के बाद हम लोग वेट करने की कोशिश करते हैं चलो बुकिंग मिल जाएगी यहाँ से, पर यहाँ से बुकिंग नहीं मिलती है। क्योंकि नीचे की तरफ जाने के बाद कोई भी गाड़ी नीचे पार्किंग पे भी खड़ा करने नहीं देते, किसी जगह पे खड़ा होने नहीं देते। ये ट्रैफिक इंचार्ज जो भी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो सीधा भगाते इधर मत रुको मदर उधर मत रुको, ऐसे जगह तो है ही नहीं टर्मिनल टू पे। सबसे बड़ा खराब चीज है यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे ना तो फंस ही जाएंगे। और जैसे मैंने पहला ड्रॉप किया था, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट और एक बुकिंग लगी थी एयरपोर्ट ही ड्रॉप की, पर वो लोकेशन इतना खतरनाक खराब दिखता है ना, क्योंकि जब टर्मिनल टू के पास हम लोग जब खड़े रहते हैं तो ब्रिज के नीचे, तो वहां पे जब नेविगेशन जब डिटेक्ट करता है तो ठीक से पकड़ता नहीं है नेविगेशन, क्योंकि वो उनको लगता है कि ब्रिज के ऊपर है अपन, तो वो घुमा फिरा के ऐसा दिखाता है और पूरा नेविगेशन खराब हो जाता है। तो वहां से मैं निकला बिस्लरी के, यहाँ पे आया था बिस्लरी कंपनी के, उस चौक में इतना ट्रैफिक हो गया है ना, क्योंकि जहाँ पे ओला का पुराना ऑफिस था वहां पे रस्ते काम चल रहा है, और आगे भी मेट्रो स्टेशन बना है ना, उसके वजह से शाम के टाइम पूरा जाम हो जाता है। तो दो बुकिंग मुझे उसी एरिया का लगा थी, 2 किलोमीटर के लिए 20-20 मिनट दिख रहा था, तो मैंने कैंसिल किया। उसके बाद ये अंधेरी से मुझे 3 किलोमीटर के लिए बुकिंग लगी, और जिसका बहुत ही अच्छा ट्रिप मिला। 3 किलोमीटर के लिए 279 रुपीज दिया गया, सिर्फ 3 किलोमीटर 279, 12 मिनट लगे, 12 से 15 मिनट, और ये 379 का बिल बना था। अभी मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा, सीधा मैं रुकूंगा ही नहीं टर्मिनल पे, सीधा मैं आगे चला जाऊंगा अपना लोअर परेल की तरफ, सॉरी पार्ला की तरफ। तो निकलता हूँ यहाँ से पहला बाहर, ये क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे अंधेरी का, साकी नाका हो ये सब एरिया बहुत खतरनाक भीड़ वाला एरिया है। तो निकलता हूँ यहाँ से पहला बाहर और अपना उधर की एरिया से बुकिंग देखता हूँ कहाँ से मिलती है, तो जुड़े रहना। अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा ही नहीं ये एरिया में, ये विले पार्ले हो या अंदर अंधेरी हो, बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, यहाँ पे रुकना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो मैं अपना कलानगर या फिर बैंड्रा की तरफ चला जाता हूँ, बीकेसी की तरफ, वहां से मुझे बुकिंग मिल जाएगी। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में राइट साइड में कितनी गाड़ियां है, ट्रैफिक कितना जाम है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा का पूरा, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दिखता होगा आपको कितनी गाड़ी जाम, ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। तो या इस तरफ आने का मैं सोचूंगा भी नहीं, अभी सीधा अभी निकलूंगा और देखते कलानगर यहाँ से नवी मुंबई या फिर डोंबोली या उस तरफ का कोई बुकिंग मिलेगा तो लेके मैं चला जाऊंगा, पर इस तरफ नहीं आऊंगा मैं अभी। ये मैं अभी अभी आप जो देख रहे हो जिवो बीकेसी के अंदर है, जिवो वर्ल्ड है या क्या है इसको क्या कहते हैं मालूम है, जिवो सेंटर है या जो कुछ है। तो यहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और ये मुझे बुकिंग लगी थी कलानगर से,
और 3 किलोमीटर के लिए मुझे 21 मिनट लग गए। बहुत ट्रैफिक है बीकेसी में और मैं यहाँ से अभी बाहर निकल रहा हूँ, तो देखते हैं भाई अभी नीचे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसका मुझे 3 किलोमीटर के लिए 230 रुपये दिया गया है और 340 रुपये का 11 रुपये का बिल हुआ और मैडम ने 350 रुपये दिए मुझे। तो अभी यहाँ है कुछ यहाँ पे सीन, यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अभी तक तो कोई बुकिंग नहीं आई, चेक करना पड़ेगा भाई बुकिंग क्यों नहीं आई है करके। इतना तो रश है यहाँ पे पर बुकिंग क्यों नहीं आई है पता नहीं है। यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और देखते कब तक बुकिंग लगेगी, जुड़े रहना मेरे साथ। यू टर्न ले लिया जीवो वर्ल्ड धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, सॉरी धीरूभाई अंबानी स्क्वायर करके लिखा है और इस तरफ जीवो वर्ल्ड करके लिखा हुआ है, जीवो वर्ल्ड सेंटर बराबर। ये देखिए जीवो वर्ल्ड सेंटर दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला है जीवो वर्ल्ड सेंटर। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी जाता हूँ आगे, देखते बुकिंग कहाँ से लगती है। तो फ्रेंड्स रात के 12:05 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब इस वक्त मैं मीरा रोड भाईंदर में हूँ और मैं यहाँ पे 11:15 आया था, पैसेंजर को ड्रॉप भी किया, बाद में खाना पीना खाने के बाद अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और ये बुकिंग मुझे बीकेसी से लगी थी, पहली बुकिंग इससे एक कैंसिल हो गई थी जो कि बैंड्रा की थी, पर वो मैंने कैंसिल कर दी, मतलब वो सामने से पैसेंजर ही आए नहीं, तो 55 रुपीज़ उसका मिल गया। तो तुरंत जैसे कैंसिल किया मुझे मीरा भाईंदर की बुकिंग लगी और मुझे यहाँ पे आने के लिए 2 घंटे लग गए। बोलते हैं ना मुंबई में मेट्रो चालू हुआ है तो रश कम होगा, पर नहीं हो रहा है। अंधेरी से जो ट्रैफिक लगा था वो कम से कम मुलुंड तक ट्रैफिक था कंटिन्यू, 1 घंटा तो मेरा ट्रैफिक में चला गया और 1 घंटा ट्रैवल में, तो ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। और ये टोटल अर्निंग इसका जो दिया था मुझे 718 और जो बिल बनाया था वो 936 रुपीज़ का दिया बना था। और अभी यहाँ पे हूँ और खाना पीना खा के बैठा हूँ और टोटल अर्निंग मेरी जो हुए 2300 रुपये की हुई और 12 घंटे भी हो चुके। फ्रेंड्स सुबह के पाँच मतलब आज 19 तारीख है, 18 तारीख को मैंने निकाला था 12:30 मैंने राइड स्टार्ट की थी और अभी 19 तारीख का सुबह हो गए, 5:00 और 1 मिनट थोड़ा बात कर रहा हूँ, टर्न मार रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। तो सुबह के 5:00 और मैं अभी कामोटा में हूँ, कामोटा में जस्ट मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और जैसे लास्ट मैंने आपसे बात की तब मैं मीरा रोड में था, मीरा रोड से मुझे बुकिंग लगी कांदिवली मैंने ड्रॉप किया, वो मिनी था और तीनों भी जो रात के 12:00 के बाद जो भी मैंने राइड ली है ना वो तीनों मिनी है, क्यों प्राइम मिल ही नहीं रहा है, रात के टाइम डिमांड कम होती है ना तो मिनी चलानी पड़ती है। और मिनी में एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मिनी में सर चार्जेस इतना, मतलब सर चार्जेस तो दिखता भी नहीं है, जो 10 रुपीज है ना पर किलोमीटर उससे भी कम दे रहे हैं, उसके आसपास दे रहे हैं और 10 रुपीज दे रहे हैं, मतलब रात के टाइम गाड़ी चला के
मिनी में कुछ भी फायदा नहीं है। रात में मिनी में गाड़ी चलाना मतलब खुद की नींद खराब करना, ऊपर से पैसेंजर को सर्विस भी देना और अपनी खुद की कमाई भी कम करके लेना, ऐसा है। तो रात में मिनी चला के कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मतलब इतना खराब एक्सपीरियंस आया मुझे। मैंने 29 किलोमीटर का राइड किया तो मुझे उसमें 270 रुपये दिए गए, सॉरी 280 रुपये, जो कि 10 रुपये किलोमीटर से भी कम था। और अभी मैंने पैसेंजर को यहाँ पे कामोठा में वाशी में मैंने पैसेंजर से पिकअप किया था, सॉरी सानपड़ा से, और वहाँ यहाँ पे कामोठा में ड्रॉप किया, जिसका मुझे 166 रुपीज़ दिया है 16 किलोमीटर के लिए। मतलब क्या 10 रुपया एक पैसा के हिसाब से दिया गया है। तो आज का टोटल अर्निंग मेरा जो हुआ है वो 3000+ का हुआ है। आपसे बात भी कर रहा था तब तक एक बुकिंग भी आई थी, पर वो मेरे काम की नहीं थी, अभी मुझे घर पे जाना है, इसके लिए मैं उन्हें पास कर दिया उसको और ऐप को बंद कर दिया। अभी सीधा घर पे निकल रहा हूँ, रात के सुबह के 5 बज चुके हैं। तो मैं 3000 का मेरा अर्निंग हो गया है। 15 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है। पहली राइड मैंने सुबह 12:40 पे चालू की थी और अभी सुबह के दूसरे दिन सुबह के 5:10 हो चुके हैं। तो 15 घंटा गाड़ी चला के मैंने 3000 का अर्निंग किया है। अंधेरे में जाके फंस गया था, बाकी तो सब ठीक था, पर अंधेरे में जो घुस गया मैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि एयरपोर्ट की बुकिंग लेना ही नहीं चाहिए, बाहर के बाहर ही घूमेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगा। एयरपोर्ट पे जाके टाइम पास होता है, सिर्फ वेटिंग करना पड़ता है, अच्छी बुकिंग मिलेगी, वेट करते रहेंगे भाई, कि अपने को कोई मेहनत नहीं करना है तो एक जगह पे सर चार्जेस लेके निकल जाओ, पर उस सर चार्जेस में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे रुकना पड़ता है। तो वो किसने सिखाया है ना, जिसको जमता रहेगा वही काम करेगा, वरना वो आराम ही करता रहेगा एयरपोर्ट की तरफ, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ। और आपको अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया रहेगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।